हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Huawei P40 के छोटे वर्जन यानी कि उसके लाइट वर्जन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे Huawei P40 लाइट की स्पेसिफिकेशंस, इसका प्राइस एंड इसकी रिलीज डेट। साथ ही हम बात करेंगे कि Huawei P40 में एंड P40 लाइट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो इस फोन के बैक में आपको मिलने वाला है एक शाइनिंग सा ग्लास। साथ ही इस फोन के कलर्स होंगे क्रश ग्रीन, स्पेस सिल्वर एंड मिडनाइट ब्लैक। और इस फोन की थिकनेस होगी 8.6 mm की और इसका वेट होगा 189 ग्राम्स का। तो अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इस फोन में आपको मिलती है LTPS IPS LED टच स्क्रीन जिसका साइज होगा 6.5 इंचेस का और इसकी स्क्रीन में आपको मिल जाती है 16 मेगा कलर्स की डेप्थ। तो रही बात इसके रेजोल्यूशन की, तो इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 1080x2400 पिक्सल्स का। साथ ही आपको मिल जाती है 405 PPI की पिक्सल डेंसिटी और इस स्क्रीन का स्क्रीन टू बोर्ड रेशियो होने वाला है 83.8% का। तो इसके डिस्प्ले के बाद अब बात आती है इसकी CPU की। तो इस फोन में आपको मिलने वाला है हाई सिलिकन केरिन A20 वाला प्रोसेसर जो कि 5G सपोर्ट करता है। साथ ही आपको मिल जाता है माली 57 का GPU और इस फोन में मेमोरी आपको मिल जाती है 128GB की इंटरनल प्लस 6GB की रैम और इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए इसमें आपको एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट का फीचर भी मिल जाता है। तो करते हैं बात इसे कैमरे की। इस फोन में आपको मिलते हैं क्वाड कैमरा सेटअप यानी कि चार कैमरे इस फोन में आपको मिल जाते हैं, जबकि ओनर P40 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला है यानी कि तीन कैमरे मिले हैं। तो ओनर P40 लाइट में आपको मिलते हैं 64 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा एंड 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और इसका कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। साथ ही आपको LED फ्लैश, पैनोरामा एंड HDR जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। तो ये बात इस फोन के सेल्फी कैमरे की, तो इसमें आपको मिलता है 16 MP का वाइड एंगल कैमरा जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 1080p की वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड और साथ ही में आपको HDR का फीचर भी मिल जाता है। और गाइस, इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट मिलने वाला है साइड माउंटेड। तो रही बात इसकी बैटरी की, तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 400 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है 40W की। साथ ही आपको रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है जो कि है 5W की। तो गाइस, अगर हम Huawei P40 लाइट एंड P40 की स्पेसिफिकेशंस ध्यान से देखें तो उसमें आपको काफी सारे वेरिएशंस मिलेंगे। लाइक P40 में आपको मिलता है हाई सिलिकन केरिन 990 वाला प्रोसेसर, जबकि इसमें आपको मिलता है सिलिकन 820 वाला प्रोसेसर। P40 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और P40 लाइट में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। साथ ही P40 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और इसमें आपको साइड माउंटेड मिलता है। और गाइस, बैटरी में भी थोड़ा डिफरेंस है। ओनर P40 में आपको मिलती है 3800 mAh की बैटरी, जबकि P40 लाइट में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो गाइस, कुछ फीचर्स P40 लाइट में अच्छे हैं और कुछ फीचर्स P40 में अच्छे हैं। तो अगर आप इन दोनों फोन के अच्छे अच्छे फीचर्स चाहते हैं तो आप इसके हायर मॉडल ले सकते हैं यानी कि P40 Pro या फिर P40 Pro Plus ले सकते हैं। तो रही बात इस फोन की रिलीज डेट की, तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 25 June 2020 और 24,000 के आसपास इसका प्राइस होगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।